दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 633 किलोवाट पावर की सोलर रूफटॉप प्लांट की बारे में कुछ दिखाना चाहूँगा। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब रूफ पे जाते हैं तो हमारी जो भी साइड पे लेडर होती है, उस लेडर को प्रॉपर तरीके से पीपी सुरक्षा उपकरण के साथ पहन करके ऊपर चढ़ना होता है। देखिए, ये हमारी मॉन्की लेडर है। इस लेडर को मॉन्की लेडर बोलते हैं। इसमें अपना सेफ्टी बेल्ट का यूज करके ऊपर आया जाता है। ऊपर आते ही सबसे पहले हम अपना जो हमारा सेफ्टी बेल्ट होता है उसके अंदर उसको अपने लैकर में फंसाएंगे और जो हमारी वॉकवे होती है वॉकवे पे चलते रहेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा रूफटॉप प्लांट है 633 किलोवाट पावर का। ये दो दो फेज में ये रूफ वन है, दूसरे साइड में रूफ टू है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वॉक है। इसके सहारे हम अपने पैनलों के पास पहुंचते हैं। इनकी मेंटेनेंस होती है, क्लीनिंग होती है, जिससे इनका जनरेशन बढ़ाया जा सके। इसके बाद हम लोग सभी जगह पर अपना अपना सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिना सेफ्टी की अगर चलेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद हमारे साइड पे ये स्काईलाइट है। ये सब चीज़ें ध्यान दिया जाता है। देखिए, हमारे 633 किलोवाट पावर का हमारा प्लांट है, रूफटॉप प्रोजेक्ट है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना का चांस खतरा रहता है वो हमारे इसके होता है, इसकी वजह से स्काईलाइट है। ये पूरी फाइबर की बनी होती है, ये तुरंत ब्रेक कर जाती है जिससे दुर्घटना होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं ताकि हमें दूर से दिख जाए कि ये डेंजर जोन है, इस पर नहीं आगे नहीं जाना है। अपना वॉकवे का यूज करते हुए अपने सभी पैनलों के पास हम लोग विजिट कर सकते हैं। लाइटनिंग के लिए हम लोग अपने प्लांट में लाइटनिंग अरेस्टर का यूज करते हैं। ये हमारा एलए लगा हुआ है लाइटनिंग अरेस्टर, जिसके नीचे ग्राउंडिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्लांट में चिमनियाँ भी लगी हुई हैं जिससे काफ़ी डस्ट निकल रहा है जो हमारे पैनलों पे चिपक जाता है, तो इसलिए इनकी क्लीनिंग भी करानी पड़ती है ताकि जनरेशन लॉस ना हो। हम लोग पैनलों के स्ट्रक्चर को भी अर्थिंग करते हैं जिससे कोई सुरक्षा हमारे पैनलों को हो सके, कोई दुर्घटना ना हो सके। देखिए, प्रॉपर तरीके से सभी स्ट्रक्चरों को अर्थिंग की गई है। ये हमारा डीसी अर्थिंग होता है, डीसी अर्थिंग और हम एसी अर्थिंग इन्वर्टरों के साथ करते हैं। देखिए, कई कई साइटों पे हमारा वॉकवे भी होता है और केबल टे दोनों अलग अलग होती है, लेकिन किसी की साइड पे एक ही दोनों को एक तरीके से यूज किया जाता है। जैसे देखिए, ये हमारी केबल ट्रे भी है और वॉकवे भी है, इसके अंदर अंदर केबल भी आए हुए हैं और इसको हम वॉकवे की तरह से यूज भी कर रहे हैं। अपने प्लांट में एक रेडिएशन सेंसर लगाते हैं जो कि हमारा दिखाता है कि हमारी जो सन से रेडिएशन आ रही है कितनी, उसकी वैल्यू क्या है। देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडिएशन सेंसर है। इसकी जो एंगल होती है और ये सोलर पैनल की मॉड्यूल की एंगल सेम होनी चाहिए जिस ताकि हमारा रेडिएशन वैल्यू जो है सही आए। उसके बाद हम अपने प्लांट में लाइफ लाइन का यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई दुर्घटना हो तो हम अपने लाइफ लाइन के सहारे उसी पे रुके रहें। इसमें अपना सेफ्टी बेल्ट फंसाते हैं
और कोई भी जो भी वर्क करना होता है वर्क करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एसीडी भी है, ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का काम करती है। इसी से हम सारे इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं। इन्वर्टर को बंद करने के लिए हम लोग MCCB का यूज़ करते हैं। सभी इन्वर्टर की अलग अलग होती है और एक मेन MCCB है जो सभी इन्वर्टर को बंद करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये हमारा ACD भी सोलर प्लांट में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रहती है। इसी से सारा चीज़ हम लोग कमांड सारा चीज़ ऐसे दे सकते हैं। देखिए हमारे मीटर लगा हुआ है जिससे हमारी यूनिट पता चलती है कितने जनरेशन में कितना यूनिट बिजली यूज़ किया गया है। ACD को भी ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग दी जाती है ताकि सुविधा मिल सके, सुरक्षा मिल सके, कोई भी दुर्घटना होती है उसके लिए। दोस्तों साइड की सुरक्षा के लिए हम लोग कुछ पोस्टर वोस्टर लगाते हैं जिससे ये पता चल जाए कि क्या PPs होती हैं, सुरक्षा कैसे क्या किया जाता है। हमारे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी होते हैं, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों हम आपको दिखाएंगे अब हमारा इन्वर्टर। दोस्तों हमारा इन्वर्टर यहीं से चालू होता है, ये हमारा इन्वर्टर नंबर 5 है, वही कंपनी के लगे हुए हैं। 50 kW इनकी रेटिंग होती है लेकिन 63.3 kW पे इन लोग की मैक्सिमम कैपेसिटी पे इसको सेटिंग दिया किया गया है। यह हमारा देखिए हमारे केबल ट्रे है, सारे इन्वर्टर इसी केबल ट्रे के माध्यम से केबल रूटिंग होती है सारे इन्वर्टर की। देखिए हमारा इन्वर्टर नंबर 4 है, ऊपर एक कैनोपी लगा होता है 3 सेट का जो इनको इसको प्रोटेक्शन दे सके बारिश के मौसम में। हमारी ये स्ट्रिंग भी लगी होती है इसमें, ये सब देखिए दोस्तों।